hey, hi, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है हाउ टू रिमूव अनवांटेड हेयर्स विदाउट लेज़र. तो लेज़र मशीन के बिना आप अपने जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं आपकी बॉडी में हेयर्स हैं, अगर आपको आप फीमेल हो और आपको दाढ़ी मूछें आ रही हैं, जो कई एंड्रोजेनिक प्रॉब्लम होती है, हर्सुटिज्म होता है, PCOD की प्रॉब्लम होती है, उनको फीमेल्स को भी दाढ़ी मूछें आती हैं, या आपको ऐसे अनवांटेड हेयर्स हैं अगर आप जिम जाते हो बॉडी, आप मेल हो आप जिम जा रहे हो बॉडी बनाना और आपको शो में अपीयर होना है, या आप मॉडल हो, मॉडल्स भी जनरली देखा जाए तो वो बॉडी के हेयर शेव करते हैं, बट एक बार जब शेव करना स्टार्ट करते हैं तो उनको फिर रेगुलर करना पड़ता है. तो आप उस चीज़ को कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हो, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हो, उसके ऊपर मेरा वीडियो है ये. तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा. तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने भी यूज़ किया ये चीज़. जब मैं जवान हुआ करता था तो मुझे भी मॉडलिंग का शौक चढ़ा था और जब मैंने एक बार शो में उतरा था तो मैंने अपने बॉडी के हेयर्स को रिमूव हैंड्स के शेव किया था और मैंने चेस्ट में भी हेयर्स को शेव कर दिया था. और वो दिन था और आज तक का दिन है कि मुझे बार बार रेगुलर उसको करना पड़ता है. तो जनरली होता क्या है कि जब भी आप शेव करते हैं तो बालों की ग्रोथ और फास्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं कि बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. तो हम उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं थ्रू सम सॉल्यूशन जो आप घर बैठे कर सकते हैं, वो है अपरूट. तो ये अपरूट लोशन है, आपको इसको अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में. आप इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो चेस्ट में लगा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा हेयर्स हैं चेस्ट में आप हैंड्स पे लगा सकते हैं, आपको हेयर्स हैं हैंड पे, या अगर आप फीमेल हैं और आपको एंड्रोजेनिक ग्रुप आपको ये एंड्रोजन बॉडी के अंदर बड़ा हुआ है जो मेल पैटर्न बैलेंस में होता है खासकर, या फीमेल्स को जो देखा जाए तो जब उनके बॉडी में एंड्रोजन्स बढ़कर तादाद बढ़ जाती है, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो फीमेल्स में होने लगता है, या फीमेल्स में कई बार PCOD की प्रॉब्लम होती है तो उनको दाढ़ी मूछें आने लगती है, दैट इज कॉल्ड हर्सुटिज्म. तो अगर आपको हर्सुटिज्म है, आप फीमेल हो या आप थर्ड जेंडर हो, लाइक बहुत सारे थर्ड जेंडर भी मेरे पास आते हैं, उनको भी इश्यूज होते हैं, उनको मोटे मोटे बाल आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि सर हम लोग लेज़र बार बार नहीं करा सकते हैं आके, तो हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए, या मुझे मैसेज भी करते हैं. तो उनके लिए ये अप्रूट लोशन है बहुत अच्छा. आप जब अप्रूट लगाते हैं तो ये हेयर की ग्रोथ को प्रोलॉन्ग कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि अगर आप फीमेल हो और अगर आप आईब्रो बनवा रहे हो तो आप आईब्रो बनवाने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हो थ्रू ईयरबड. तो अगर आपको 20 से 25 दिन में अगर आईब्रो बनवाना पड़ता है तो इसको लगाने के बाद उसको 1.5 से 2 महीना आप लेंथ खींच सकते हो, तो आपको बार बार आईब्रो का पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये वर्क कैसे करता है, इसमें टिलोकैल्पिल है और इसमें फ्लेवोस्ट्रॉन है. टिलोकैल्पिल क्या करता है कि जो डेंसिटी होती है और थिकनेस होती है हेयर की उसको डिक्रीज कर देता है, और जिसमें फ्लेवोस्ट्रॉन है वो ईस्ट्रोजन का एज अ मिमिक करता है, ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, तो वो एज अ ईस्ट्रोजन वर्क करता है और हेयर की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है. तो मैं आपको बताऊंगा इसको अप्लाई कैसे करना है. तो ये अप्रूट का बॉक्स लीजिएगा जो कि 350 रुपये का आता है, इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा, इसको शेक करना है, अच्छे से हिला लीजिएगा. हिलाने के बाद आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेव कर रहे हो हैंड्स में, आप मेल हो या फीमेल हो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, तो अगर आप शेविंग करते हो या वैक्सिंग करते हो या कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस यूज या लेज़र भी करा रहे हो तो लेज़र कराने के बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. तो इसको आपको लेना है, थोड़ा सा लेना है और इसको अच्छे से लेके पूरे एरिया में अप्लाई कर लेना है. तो ये क्या करेगा, ये आपकी हेयर ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, स्लो डाउन कर देगा. तो वो अगर आप महीने में एक बार वैक्सीन करा रहे हैं तो आप उसको 1.5 से 2 महीने खींच सकते हो या और ज़्यादा, साथ ही साथ ये डेंसिटी को भी कम कर देता है. तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, अप्रूव्ड लोशन है. आप इसको आपको अच्छे डायरेक्शन में मसाज करना है. और दूसरी बात, जब भी आप इसको अप्लाई करें तो आप याद रखिएगा आप प्रॉपर क्लीन करने के बाद अप्लाई करिए, ऐसे डायरेक्टली अप्लाई मत करिएगा. जब आपके ऑयली कोई भी होना नहीं चाहिए, ऑयल होगा तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो प्रॉपरली इसको अच्छे से हाथों को क्लीन करिएगा, सुखाइएगा और उसके बाद आपको अप्लाई करना है सुबह शाम. लगाने के बाद रात भर छोड़ देना है और दिन भर छोड़ देना है. आप सुबह शाम लगाते हैं तो उसको लगा के छोड़ देना है, उसके ऊपर उसके बाद लगाने के बाद कोई भी क्रीम अप्लाई मत करिएगा. याद रखिए इसको लगाने के बाद कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करना है. और अच्छा इफेक्ट चाहिए आपको तो आप स्टीम ले सकते हो या गर्म पानी से नहाने के बाद इसको अप्लाई करिएगा. गर्म पानी से नहाने के बाद जब अप्लाई करेंगे तो आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे. जब हम कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में गर्म यूज़ होती है तो वैसे डायलेशन कर देती है, पोर्स को ओपन कर देगी. जब पोर्स ओपन हो जाएंगे तो ये अप्रूट सॉल्यूशन और अच्छे से स्किन में अंदर पेनिट्रेट करके वर्क कर पाएगा. याद रखिएगा इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल सेफ. अगर आपको अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं तो आप सेम लेके आप उसको फेशियल हेयर्स में लगा सकते हैं. बहुत सारे मेल मॉडल्स मेरे पास आते हैं तो जनरली करते क्या है वो,
मेल मॉडल्स जो आते हैं उनको शेविंग लाइन चाहिए होती है, तो मैं उनको सजेस्ट क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि जैसे टेपिंग कर लो, जैसे ऐसा कुछ लगा के टेप करके आप उसको, टेप करने के बाद आप इस सॉल्यूशन को लगा सकते हो दोनों साइड चीक्स पे। तो अगर आपके अनवांटेड ऊपर तक दाढ़ी आ रही है और आप लेज़र नहीं कर सकते हो तो यह अप्रूट सॉल्यूशन आप लगा सकते हो, तो आपकी जो एक्स्ट्रा दाढ़ी आ रही है वो नहीं आएगी। फीमेल्स, अगर आप आईब्रो बनवा रही हो तो आईब्रो बनाने के बाद आप इस टाइप का ईयरबड लीजिएगा और ईयरबड में अप्रूट लोशन लगा के उसको एक्स्ट्रा एरिया जहाँ से अपने आईब्रो हेयर हटाए वहाँ पे आप उसको लगा लेना डेली। तो आपको अगर 20 से 25 दिन में आईब्रो अगर बनवानी पड़ती है तो वो आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, एक डेढ़ महीना दो महीना भी हो सकता है, और स्लोली स्लोली अगर आप उसको रेगुलर लगाएंगे तो रिजल्ट और अच्छा मिलेगा और प्रोलॉन्ग मिलेगा। तो भैया ये तो बात होगी इसको लगाना कैसे है, कब लगाना है, कैसे वर्क करता है, बट अब ये मिलेगा कहाँ पे? तो ये कितने का मिलता है? ये 350 रुपये का 120 ml है, 350 रुपीज़ का 120 ml है। और ये आपको मिलेगा कहाँ? तो ये आपको मिलेगा इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट पे। तो भाई क्लिक करो अपनी केयर पे, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन care.com, वहाँ पे आपको ये अप्रूव्ड लोशन मिलेगा, इसको अप कर लो, वहाँ से पिक कर लो और ख़रीद लो। आपको COD भी अवेलेबल है। अगर आपको दिक्कत है कि आप बस डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप नेट बैंकिंग नहीं करते हो या किसी भी रीज़न से आप पे नहीं कर पाते ऑनलाइन, तो आप वहाँ पे COD भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करिए तो आपके घर बैठे ही आ जाएगा, खरीद वहाँ से ले लो और पे कर दो कैश घर पे ही और वहाँ से खरीद सकते हो। तो कैश ऑन डिलीवरी पूरे नेशनलाइज इंडिया में ये क्लिक ऑन केयर वाले देते हैं। तो आप वेट क्या कर रहे हो यार, जस्ट बाय अ प्रूट और यू एंड 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 बी हेयर फ्री। बाय, इसको याद रखिएगा, सुबह शाम लगाना है और रेगुलर लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने दो महीने लगाया छोड़ दिया सोचो कि जिंदगी भर के लिए बाल खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और ये हेयर रिटार्डिंग फार्मूला है, हेयर रिमूवल फार्मूला नहीं है। आप इसको, मैं अगेन बता देता हूँ, आप वैक्सिंग के बाद, शेविंग के बाद या कोई भी हेयर रिमूवल प्रोसेस के बाद, लेजर के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। लगाने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए, सुबह शाम लगाना है, सर्कुलेशन डायरेक्शन में मसाज करके लगाना है, इसको लगा के छोड़ देना है और बस। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं आपका वहाँ पे वेट करूँगा। मुझे मैसेज कीजिए, मेरी कोई भी फोटो में कमेंट करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो मुझे जल्दी दिख जाता है, मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। So stay tuned with me, Dr. Abhinit Gupta. Bye. Happy Uproot.